क्वेश्चन में दे रखा है कि ये एसिटाल्डिहाइड है और फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस में ऐड करेंगे 30% NaOH। 30% NaOH मतलब ये आप समझ के चलो कि डाइल्यूट है, ठीक है। तो अगर आप डाइल्यूट NaOH लेते हो और ये एसिटाल्डिहाइड लेते हो, तो एसिटाल्डिहाइड में क्या होता है, आपका अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो वहां पे अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि अल्फा हाइड्रोजन यूज होती है। तो पहली चीज हम अल्फा हाइड्रोजन यूज करेंगे। यहां पर जो CH3CHO, यहां पर तीन अल्फा हाइड्रोजन है, तो तीनों अल्फा हाइड्रोजन को हम यूज करके प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे HC OH, ये आपका हो गया फॉर्मल्डिहाइड। हम इसकी अल्फा हाइड्रोजन यूज करते हैं HCH2C OH, ये इसके अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ पे ये बॉन्ड पोलराइज हुआ माइनस, ये आ जाएगा प्लस, हाइड्रोजन प्लस ये माइनस, तो ये प्लस इधर मोशन करेगा, ये माइनस इधर मोशन करेगा। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट ये मिलेगा C, इधर है H का 2 और ये यहाँ पर OH हो गया, ये बन गया CH2C OH, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो CH2 था, यहां पर एक हाइड्रोजन हमने लिया अल्फा हाइड्रोजन, इस अल्फा हाइड्रोजन को जब रिएक्शन किया, ये हाइड्रोजन हटाकर हमने ये ग्रुप लगाया CH2OH। उसी तरह ये दूसरा अल्फा हाइड्रोजन भी फिर से क्या करेगा, HCHO के साथ रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट OH माइनस, दूसरा अल्फा हाइड्रोजन चला जाएगा, ए ग्रुप फिर से आ जाएगा। तो ये फिर से सी लिख लेता हूं, एक हाइड्रोजन बाकी रहा और एक हाइड्रोजन जाके रिएक्शन जब करेगा, वही CH2OH फिर से लग जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा C OH। उसके बाद अगर फिर से आप वही करते हो, ये फिर से रहा और एक अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन जाएगा फिर से रिएक्शन करेगा, जब अल्फा हाइड्रोजन फिर से जाके रिएक्शन करेगा, ये हाइड्रोजन हटा, हाइड्रोजन की जगह हम क्या लगा देंगे CH2OH, C OH, ये बन जाएगा CH2OH और ये बन जाएगा आपका CH2OH, ठीक है। अब आपके पास कोई भी इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं बचा, तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और आपका जो फॉर्मल्डिहाइड दे रखा है इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब दोनों अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो फिर इसमें अगर आप मीडियम लेते हो, बेसिक मीडियम NaOH डालते हो, तो इसमें क्या हो जाएगा, कार्निजेरोस रिएक्शन। तो कार्निजेरोस में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा मॉलिक्यूल क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो ये इजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये बनाएगा आपका फॉर्मिक एसिड, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो रिड्यूस होगा तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड से अल्कोहल बन जाएगा। तो ये CH2OH, ये बन जाएगा CH2OH, ये बन जाएगा CH2OH और ये बन जाएगा आपका CH2OH। और आप इसको ऐसे लिख सकते हो जैसे आपको दे रखा है इस टाइप का, ठीक है। तो ये OH इधर आ गया, ये OH, ये OH, ये OH, ये कंपाउंड इसको इस तरह से वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे मुझे लग रहा है। यहां पर मैंने एसिटाल्डिहाइड लिया था, उसमें फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस में दिया था, तो एक्सेस मतलब बहुत सारे फॉर्मल्डिहाइड है, हम बार बार उसको यूज करेंगे, और डाइल्यूट NaOH हमको दे रखा है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, अल्डोल कंडेंसेशन करेंगे और लास्ट में इसमें क्या हो जाएगा आपका कार्निजेरोस। तो यहाँ पे तीन अल्फा हाइड्रोजन था, तो तीन बार अल्डोल कंडेंसेशन होगा और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, कार्निजेरोस रिएक्शन, और लास्ट में ये वाला प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है।